नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक छोटे से टॉपिक पर केंद्रित है। असल में टॉपिक छोटा है लेकिन उसमें एक प्रश्न निश्चित रूप से अधिकतर परीक्षाओं में आ जाता है। भक्ति काल, चूँकि भक्तों का साहित्य है और भक्तों में एक विशिष्ट प्रकार की परंपरा रहती है और हमें इस प्रकार की अनेक प्रकार में इसमें दर्शन देखने को मिलते हैं, विचारधाराएँ देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय देखने को मिलते हैं। विचारधाराएं सबकी अलग अलग होती है, तो इसलिए भक्ति काल को प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ आचार्यों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऐसे कुछ आचार्य हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के वाद दिए और उन वादों का आने वाले साहित्य पर, उन सिद्धांतों का आने वाले साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो विभिन्न संप्रदाय और उनके आचार्य, यहाँ मैं महत्वपूर्ण प्रमुख रूप से चार आचार्यों को बताते हुए उसके बाद में रामानंद का आज ही जिक्र करूँगा, क्योंकि चार आचार्य तो बहुत ही छोटा टॉपिक बन जाएगा। तो मुख्य चार आचार्य और उसके बाद में रामानंद। रामानंद की चर्चा पहले इसलिए कर रहा हूँ कि रामानंद एक ऐसे चेतनाशील व्यक्ति थे जिनका समस्त भक्ति साहित्य पर व्यापक प्रभाव है। रामानंद के शिष्य 12 माने जाते हैं और उन 12 शिष्यों में आप देखेंगे तो निर्गुण के भी परंपरा के शिष्य उसमें हैं, सगुण की परंपरा के शिष्य भी उसमें हैं। तो समस्त भक्ति कालीन साहित्य पर रामानंद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव आपको मिलेगा। जब मैं रामानंद आपको पढ़ाऊंगा तो आप इसको देखेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज फिर से उसी विधि को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था एक बार, यानी लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल से। तो इसको आप देखें और थोड़ा बताते रहें कोई दिक्कत अगर आ रही है तो, क्योंकि मुझे इसमें लगातार संशय रहता है कि पता नहीं वीडियो कैसे बन रहे होंगे और मुझे खुद देखने का, मेरे ही वीडियो देखने का समय मुझे नहीं मिल पाता है, बना लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप उसमें बताएं कमेंट में कि आप वो किस प्रकार से उसको देख पा रहे हैं, कौन से वीडियो या किस विधि में ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन सी विधि में आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो आप उसको बताएं। तो आज हम विभिन्न संप्रदाय और उनके आचार्य पीपीटी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जितना भी दर्शन हुआ है या जितने भी आचार्य हुए हैं उनमें मुख्यतः चार बातों पर विचार किया गया है, और वो चार बातें हैं ब्रह्म, जीव, जगत और माया। जितने भी वाद आपको दिखाई देंगे, चाहे वो अद्वैतवाद हो, चाहे द्वैतवाद हो, चाहे विशिष्ट अद्वैतवाद हो, इन चार बातों को मुख्यतः ध्यान में रख के बातें कही गई है। तो सबसे पहले आपको शंकराचार्य के अद्वैतवाद को समझना चाहिए। शंकराचार्य के ये जो हम आगे वाद पढ़ रहे हैं या विभिन्न आचार्यों को पढ़ रहे हैं, तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से आगे ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, उसमें वो ये कहते हैं कि अद्वैत का पहले शाब्दिक अर्थ हमें समझना चाहिए। अ यानी नहीं, द्वैत यानी दो। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत यानी दो नहीं है। दो नहीं है इसका मतलब एक ही है। एक कौन है? वो है ब्रह्म और जीव। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव यानी आत्मा और परमात्मा, साधारण शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सूत्र दिया, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों अद्वैत हैं, मतलब दो नहीं है एक ही है। इसलिए उन्होंने सूत्र दिया अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैं ब्रह्म हूँ तो आप भी ब्रह्म हैं, वो भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। इसलिए अगला सूत्र भी उन्होंने दिया, सर्वविदं खलविदं ब्रह्म है, यानी सभी लोग हैं वो ब्रह्म हैं। और इसके बाद में उनका जगत है वो नाशवान है और माया है वो ईश्वर की प्राप्ति में या ब्रह्म की जो आत्मा के या जीव के ब्रह्म होने में बाधक है, जीव के ब्रह्म होने में माया है वो बाधक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दो दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। इसके बाद में आगे विभिन्न प्रकार के जो आचार्य वो आते हैं, सबसे पहली असल में शंकराचार्य के अद्वैतवाद को ही आगे बढ़ाया गया है और उसकी प्रतिक्रिया में सारे के सारे वाद आए हैं, चाहे वो पक्ष में आए हों, चाहे विपक्ष में आए हों, चाहे वो कुछ संशोधन के साथ आए हों। इसमें पहले जो आचार्य हों रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल हमने इनकी चर्चा की थी कि अलवारों की परंपरा में ये आते हैं। तो ये 1127 ईस्वी के आसपास दक्षिणी भारत में थे और ये यमुनाचार्य के पुत्र और श्री रंगनाथ मुनि जो दिव्य प्रबंधम के संपादक थे उनके प्रपौत्र थे और यमुनाचार्य के पुत्र थे। इनका जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है और संप्रदाय हो श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय तो विष्णु के अवतार से जुड़ा हुआ है और विशिष्टाद्वैतवाद, हालांकि मैं
आपको इतना कहूँगा कि सामान्यतः आप परीक्षोपयोगी जानकारी इतनी काफ़ी है कि आप सिद्धांत का नाम और आचार्य का नाम याद कर लें। लेकिन चूंकि सिद्धांत अगर थोड़ा सा मैं बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए एक एक दो दो बातों में आपको मैं खुलासा कर रहा हूँ, यहाँ हम कोई दर्शन नहीं पढ़ेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब क्या है? देखिए, इसको शब्द को हम विश्लेषित करेंगे तो पाएंगे कि विशिष्ट प्लस अ प्लस द्वैतवाद, यानी अद्वैतवाद। अब इसको दो शब्दों में कह सकते हैं, विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद तो शंकराचार्य का था, तो रामानुजाचार्य ये बात कहते हैं कि ठीक है आपकी बात कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, यानी अद्वैत है, लेकिन परमात्मा ब्रह्म से, परमात्मा आत्मा से यानी ब्रह्म जीव से कुछ शक्तियों में और कुछ विशेषताओं में विशिष्ट है, यानी ब्रह्म को जीव से कुछ ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, या ब्रह्म के अंदर जीव से कुछ ज़्यादा उच्च कोटि की विशेषताएं हैं, कोई उच्च कोटि के ज़्यादा लक्षण उसमें हैं। इसीलिए जीव और ब्रह्म दोनों अद्वैत होते हुए भी, एक होते हुए भी ब्रह्म है वह जीव से विशिष्ट है। एक लाइन आप याद रखें, वो कहते हैं कि ठीक है आपकी बात, शंकराचार्य की बात को समर्थन करते हैं लगभग वो, और वो कहते हैं कि ठीक है कि ब्रह्म और जीव एक है, लेकिन फिर भी ब्रह्म जीव से कुछ मायनों में विशिष्ट है। एक पंक्ति में बात है, ये राम भक्ति के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। हालांकि आपको ध्यान होना चाहिए कि आलवार है वो वैष्णव थे, और आलवारों में कुछ राम भक्त भी थे और कुछ कृष्ण भक्त भी थे, लेकिन आलवारों की परंपरा अलग है। और अगर राम भक्ति के विशिष्ट आचार्यों की बात की जाए तो पहला नाम रामानुजाचार्य का आता है। भक्ति काव्य पर सर्वाधिक प्रभाव इनका माना जाता है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात कही है। ये बात भी कहाँ, इसका कहने के मायने क्या है, भक्ति काव्य पर सर्वाधिक प्रभाव इनका क्यों है, वो भी रामानंद के कारण ही है, क्योंकि रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद हुए और राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद का संपूर्ण भक्ति काल पर, संपूर्ण भक्ति साहित्य पर, विभिन्न प्रकार के संतों पर अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है, इसलिए बात बच्चन सिंह ने कही। दूसरे हम मध्वाचार्य, जिनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है, सिद्धांत है द्वैतवाद। अगर ये प्रश्न भी आ सकता है, पहली बात तो ये सीधा प्रश्न आता है, द्वैतवाद किसने दिया, मध्वाचार्य ने, ब्रह्म संप्रदाय किसका है, मध्वाचार्य का है। लेकिन एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि शंकराचार्य का सीधा विरोध करने वाले आचार्य कौन है, मध्वाचार्य, यानी शंकराचार्य ने अद्वैत कहा तो उसी अद्वैत को किसी ने विशिष्ट बता दिया, उसी अद्वैत को किसी ने शुद्ध बता दिया, है ना, लेकिन सीधा अद्वैत का द्वैत करने वाले कौन थे, मध्वाचार्य थे। ये कहते हैं नहीं, ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं और जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता, ये मध्वाचार्य का मत। द्वैत यानी दो, यानी ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं, दो हैं, अलग अलग चीज़ें। तो शंकराचार्य के अद्वैत का जोरदार इन्होंने खंडन किया। अमला भक्ति संप्रदाय की मुख्य विशेषता है, अमला भक्ति की विशेषताएँ सामान्यतः मुझे नहीं मिलती, लेकिन जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ, अमला का, मल का मतलब होता है विकार या दोष, तो अमला जिसमें कोई प्रकार का मल नहीं हो, कोई प्रकार का विकार नहीं हो, यानी निष्काम भाव से और निर्विकार भाव से भक्ति करना अमला भक्ति हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में थे वो पहले इसी संप्रदाय में थे, बाद में उन्होंने अपना गौड़ीय संप्रदाय चलाया, उसको अपने आगे कृष्ण भक्ति में पढ़ेंगे। विष्णु स्वामी जिन्होंने रुद्र संप्रदाय दिया, वल्लभाचार्य गुरु थे, और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत। अब शुद्धाद्वैतवाद में क्या है, वही बात है, शुद्ध प्लस अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसका है, शंकराचार्य का। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि आत्मा परमात्मा दोनों अभिन्न है, दोनों दो नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तो विष्णु स्वामी ने कौन सी अलग बात कही, उन्होंने एक बात कही कि जो आत्मा शुद्ध होगी, क्योंकि जीव तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, एक जो निकृष्ट कोटि का जीव है, विष्णु स्वामी का ये कहना है कि आपकी बात सही है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं, लेकिन जो निकृष्ट कोटि का जीव है, जो जिसकी प्रवृत्तियाँ बहुत ही दूषित हैं, क्या वो जीव भी ब्रह्म हो सकता है, इस बात को विष्णु स्वामी स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं जो जीव, जो आत्मा शुद्ध होगी वही परमात्मा हो सकती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शुद्धाद्वैतवाद। इनकी रचना है वो सर्वज्ञ सुक्त के नाम से जानी जाती है। निम्बारकाचार्य का संप्रदाय वो निम्बारक संप्रदाय भी कहलाता है, सनकादि संप्रदाय भी कहलाता है, हंस संप्रदाय भी कहलाता है। इनका सिद्धांत है वो द्वैताद्वैतवाद है, भेदाभेदवाद है। तो द्वैताद्वैतवाद का मतलब द्वैत प्लस अद्वैतवाद, द्वैत का मतलब दो है, अद्वैत का मतलब दो नहीं है। ये बात आप बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं, अगर एक बार में समझ नहीं आए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो द्वैत का मतलब दो,
अद्वैत का मतलब दो नहीं है। तो वो ये अब निर्माकाचार्य ये दोनों बात कहते हैं कि ब्रह्म और जीव द्वैत हैं, यानी दो भी हैं, अद्वैत हैं, दो नहीं भी हैं। ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं यानी द्वैत हैं, ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं हैं यानी अद्वैत हैं। कैसे? अगर कोई जीव सांसारिक मोह माया में या सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ है तो वो ब्रह्म से अलग होगा, और अगर कोई जीव इस प्रकार के प्रपंचों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जैसे विष्णु स्वामी कहते हैं, तो वह जीव परमात्मा से या ब्रह्म से अद्वैत होगा, उसके जैसा होगा, समकक्ष होगा। समकक्ष तो कहना मुझे लगता है थोड़ा सा गलत शब्द मैंने प्रयोग कर लिया, लेकिन मैं ये इसमें यही अंतर है कि जो जीव निम्न कोटि का है, जिसकी प्रवृत्तियाँ दूषित हैं, वो तो ब्रह्म से भिन्न है, और जो जीव उच्च कोटि का है, जिसकी प्रवृत्तियाँ उच्च कोटि की हैं, जिसमें सभी प्रकार के विकार हो निकल चुके हैं, वो ब्रह्म से अद्वैत है, अभिन्न है, वो उसके जैसा है। तो ये कहते हैं द्वैताद्वैतवाद, यानी द्वैत भी है और अद्वैत भी है। वही बात ये भेदाभेद का मतलब वही हो गया, भेद है भी और अभेद भी है, यानी भेद है भी और भेद नहीं भी है। ये निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय जो आगे कृष्ण भक्ति साहित्य में अपने पढ़ेंगे वो इसी की शाखा है। हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय वो भी इसी की शाखा है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। वल्लभाचार्य, अब जो दो आचार्य मैंने आपको बताए थे दोनों मैं पहले पढ़ा देता हूँ, वल्लभाचार्य और रामानंद, ये चार मुख्य आचार्य अब तक मैंने आपको बताए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी। ये जो चार, इसको चतुसंप्रदाय भी बोलते हैं। अब कल को ये प्रश्न आ जाए चतुसंप्रदाय में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय चतुसंप्रदाय में शामिल नहीं है, तो ये चतुसंप्रदाय है। चतु यानी चार, कौन कौन से? रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय और निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय। ये चार मुख्य आचार्य हैं, चाहे आप सगुण में जाएं चाहे निर्गुण में जाएं, इनका मुख्यतः मतलब पूरे भक्तिकाल के ऊपर असर रहेगा। तो ये चार मुख्य आचार्य, इनके अलावा दो आचार्य हैं जो इनके बाद में हुए, वल्लभाचार्य और रामानंद। रामानंद को नाम किया गया आचार्य नहीं जुड़ता, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं वल्लभाचार्य और रामानंद को पूरे भक्ति साहित्य से पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पूरे भक्ति साहित्य में इनका योगदान बहुत अधिक है। और उन्होंने, वल्लभाचार्य ने तो संगठित रूप से संगठन बनाए, बाकायदा एक मंदिर बनाया, एक मतलब पूरा का पूरा कवियों की संस्था बनाई, और घूम घूम के, और सूरदास को जैसे कि भागवत सुनाया उनको, है ना, और लीला गान के लिए प्रेरित किया, तो इन्होंने बिल्कुल संगठित रूप से। और रामानंद के पास अपने आप लोग आए, रामानंद का विराट व्यक्तित्व था, उनसे लोग बहुत अधिक लोग प्रभावित हुए, और वल्लभाचार्य घूम घूम कर और जगह जगह जाकर उन्होंने सत्संग किए और लोगों के साथ, ये इनको चिंता थी, मलेच्छाक्रांत देशेषु हमने बात की थी पहले ही, इनको चिंता थी कि अगर कृष्ण भक्ति का प्रसार नहीं किया गया तो भारत में वो संस्कृति नष्ट हो सकती है। तो वल्लभाचार्य का बहुत ऊंचा योगदान है। सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद, असल में शुद्धाद्वैतवाद, अगर ये प्रश्न आ जाए, यहाँ मैं थोड़ी सी बात का स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर ये प्रश्न आ जाए कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, और विष्णु स्वामी अगर ऑप्शन में हो तो वो आप करें क्योंकि वही उनके प्रवर्तक हैं। हाँ, शुद्धाद्वैतवाद को पल्लवित और पुष्पित आगे चलकर वल्लभाचार्य ने किया, एक लंबे समय की बात सिद्धांत है, वो थोड़े से एक प्रकार से मंद पड़ गया था और उसको पुनर्जीवित करने का काम वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य ने एक सिद्धांत दिया छोटा सा और वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति। उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव और प्रवाही जीव। प्रवाही जीव तो वो होता है जो सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा रहता है, मर्यादा जीव वो होता है जो गृहस्थी में अपने नियमों का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन बिताता है, और पुष्टि जीव वो है जो सब प्रकार के विकारों से ऊपर उठकर, सब सांसारिक प्रपंचों से ऊपर उठकर ईश्वर की आराधना में अपने आप को उनको पूर्णतः समर्पित कर देता है, वो पुष्टि जीव है। और पुष्टि जीव असल में जब भगवान का ईश्वर की भक्ति करेगा तो तभी कर पाएगा जब ईश्वर का पोषण प्राप्त होगा। ईश्वर का पोषण प्राप्त होने का तात्पर्य ये है कि जब ईश्वर चाहेगा तभी वो उसकी भक्ति कर पाएगा, यानी ईश्वर के अनुग्रह से ही ईश्वर की भक्ति संभव है। जब आप पर ईश्वर की कृपा नहीं हो तो आप ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे गांव में ये कहा जाता है कि भाई हम रुणेचा तभी जाएंगे जब बाबा का हुक्म होगा, या सालासर तभी जाएंगे जब बाबा का हुक्म होगा। तो ये जो वैसी ही बात ये है, यानी ईश्वर का अनुग्रह जब जीव पर होता है तभी वह ईश्वर का भजन या उसकी भक्ति कर पाता है। तो ये पुष्टि है। पुष्टि का मतलब क्या है? पोषण। पोषण किसका? ईश्वर का। किसके ऊपर? जीव के ऊपर। ये जो सिद्धांत है वो पुष्टि मार्ग है। यही सिद्धांत वो सूरदास की भक्ति में आता है क्योंकि वल्लभाचार्य
के शिष्य थे सूरदास। इनकी रचना है वो अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, विद्वन मंडल, सुबोधिनी टीका। अणुभाष्य तो पूरा का पूरा वल्लभ संप्रदाय, असल में वल्लभाचार्य का संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय भी कहलाता है, और ये अणुभाष्य है वो वल्लभ संप्रदाय की एक प्रकार से मूल ग्रंथ कहा जा सकता है। और इनकी जो सुबोधिनी टीका है ये भक्ति साहित्य का आकर, आकर कहते हैं भंडार को, आकर ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन आचार्यों की रचनाएं कम पूछी जाती है, लेकिन वल्लभाचार्य की पूछ ली जाती है। वल्लभाचार्य के ये एक स्पेशल स्लाइड है, इसमें से प्रश्न आते रहते हैं लगभग। अष्ट छाप का नाम आपने सुना होगा, अष्ट का मतलब आठ। एक श्रीनाथ जी का मंदिर था ये नाथद्वारा में, सिहाड़ा में, और यहाँ जो है श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के लिए आठ कवियों की एक प्रकार से हम कह सकते हैं ड्यूटी लगाई गई। आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, 24 घंटे में आठ पहर होते हैं, तो प्रत्येक पहर के लिए ईश्वर की पूजा करने के लिए एक कवि को नियुक्त किया गया, एक भक्त को नियुक्त किया गया, और इसलिए आठ कवियों की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें अष्ट छाप की स्थापना करने वाले तो विट्ठल नाथ थे। विट्ठल नाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो वल्लभाचार्य के चार शिष्य सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, और विट्ठल नाथ के चार शिष्य चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इन आठों को मिलाकर विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी सन में अष्टछाप की स्थापना की। यहाँ आप इतना याद कर लें कि वल्लभाचार्य के चार शिष्य कौन से थे और विट्ठल नाथ के चार शिष्य कौन से थे, और अष्टछाप की स्थापना किसने कब की, क्या उद्देश्य था, यह तो मुझे लगता है कि लिखित में कोई उत्तर तब हो सकता है भाई इस प्रकार से इसकी स्थापना की गई, क्या जरूरत थी स्थापना करने की। ये मुद्दा मुझे लगता है वैकल्पिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अब इसका क्रम भी आता है कई बार, तो वो आगे जब कृष्ण भक्ति में पढ़ेंगे तब आपको उनके जन्म और मृत्यु आगे मिलेंगे, तो वहाँ आप सेट कर लें। यहाँ क्रम आदि को याद नहीं करें, यहाँ जितना दिखाई दे रहा है उतना याद कर लें। अब बात करते हैं रामानंद की। रामानंद को मैंने ये बहुत सारे ये भी आता है कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय वो रामानंद को दिया जाता है। ये एक जीके में भी आता है कई बार कि उत्तर भारत में भक्ति का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये एक विवादास्पद प्रश्न है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भक्ति की बात नहीं करें और राम भक्ति की बात करें तो उत्तर भारत में राम भक्ति को फैलाने का जो श्रेय है वो पूरा का पूरा रामानंद को जाता है। रामानंद की खासियत यही है कि रामानंद के आने से पहले हिंदू मंदिरों में थोड़ी सी वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रकोप के कारण हिंदू मंदिरों में शूद्रों का आदि का प्रवेश नहीं होता था, लेकिन रामानंद ने पहली बार ईश्वर की भक्ति जन जन के लिए सुलभ बना दी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये रामानंद की प्रसिद्ध पंक्ति कही जाती है। तो रामावत संप्रदाय इन्होंने चलाया। इनका जन्म है वो प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। भक्तमाल के अनुसार रामानुज की परंपरा में चौथी पीढ़ी के शिष्य थे। ये तो अलग अलग मैटर है, कोई कहता है चौदहवीं पीढ़ी में थे, कोई चौथी पीढ़ी में थे, इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न नहीं आते। मैं बार बार कहता हूँ कि विवाद हर जगह है और उन विवादों का निपटारा भी नहीं है, बहुत जगह अंधकार भरा पड़ा है। लेकिन परीक्षा में 150 में से मुझे लगता है कि 145 के आसपास प्रश्न वो बिल्कुल साफ आते हैं। अधिकतम विवादास्पद प्रश्न हो सकते हैं वो 3, 4 या 5 हो सकते हैं, तो आप उसको छोड़ दें। मैं तो कहता हूँ 145 की तैयारी करो, 5 की तैयारी छोड़ो, ज़्यादा विवादों में अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो ढूंढता रहता है एक प्रश्न को और खोजता रहता है और 2 घंटे बर्बाद कर देता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मुझे YouTube पर नहीं कहना चाहिए बात ये, लेकिन यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको एक प्रश्न के 2 उत्तर मिलते हैं दोनों याद कर लो, बहुत कम संभावना है कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, और राघवानंद की रचना मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि आगे उनका जिक्र नहीं करेंगे। सिद्धांत पंचमात्रा इनकी रचना है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उसको संपादित किया है, लेकिन ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है नहीं, तो इसलिए इसका आगे से अलग से उल्लेख कर अपने करेंगे नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। आकाश धर्मगुरु क्या है? आकाश धर्मगुरु उसको कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के शिष्य को, किसी भी प्रकार के शिष्य को अपनी छाया के नीचे अपने आश्रय में ले लेता है। आप देखेंगे रामानंद के शिष्य ऊंची जाति के भी हैं, शूद्र भी थे, रामानंद के शिष्य सगुण भी थे, निर्गुण भी थे, रामानंद की शिष्य परंपरा में योग साधक भी थे, फकीर भी थे, सब प्रकार के। तो कहने का भाव ये है कि रामानंद ने शिष्य परंपरा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, और असल में उनके आश्रय में या उनके आसपास के लोग जो जितने थे उन्होंने सब प्रकार से अपने समान भाव से अपनी छत्र छाया सबके ऊपर रखी। तो जिस प्रकार आकाश बिना किसी भेदभाव को सबको अपने नीचे जगह देता, उसी प्रकार रामानंद ने बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्यों का शिष्यत्व लोगों को दिया, तो इसलिए उनको आकाश धर्मगुरु कहा जाता है।
इनकी रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज भास्कर तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने उल्लेख नहीं किया, चाहे तो आप नोट कर लें, वैष्णव मताब्ज भास्कर भी संवाद ग्रंथ हैं। असल में एक इनके शिष्य है सुरसुरानंद, नीचे नाम भी लिखा होगा कहीं, सुरसुरानंद 4 नंबर पर लिखा है। तो सुरसुरानंद और रामानंद का संवाद है और उसमें 9 प्रश्न पूछे गए हैं। 9 प्रश्नों में रामावत संप्रदाय है, रामानंद का रामावत संप्रदाय है, और इनका एक मंत्र भी था राम तारक मंत्र। रामानंद ने रामावत संप्रदाय बनाया और एक राम तारक मंत्र भी दिया था। तो इन 9 प्रश्नों के उत्तर में राम तारक मंत्र और रामावत संप्रदाय की भक्ति पद्धति, उसकी साधना पद्धति, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसका उल्लेख है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैष्णव मताब्ज भास्कर है, एक संवाद ग्रंथ हो गया, और इसमें रामानंद और सुरसुरानंद का संवाद है, और संवाद में इसमें रामावत संप्रदाय और राम तारक मंत्र की व्याख्या की गई है। ये एक लाइन हम कह सकते हैं। रामार्चन पद्धति भी, राम की अर्चना कैसे करें, राम रक्षा स्तोत्र है, असल में ये गलत लिख दिया है, स्रोत नहीं है, राम रक्षा स्तोत्र है, वो हिंदी में है, ये स्तुति है राम की। भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, उसमें रामानंद के 12 शिष्य बताए गए हैं। ये जो 12 शिष्यों की परंपरा आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी आप देख पाएंगे कितना विराट इनका जो फैलाव रहा है, ये कितनी बड़ी संस्था रही है, एक अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संस्था है रामानंद, और इतना बड़ा फैलाव उनका है। तो पहले शिष्य की बात करें, अनंतादास इसके शिष्य थे, इनके शिष्य थे कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी जिसने जयपुर गलताजी में, कृष्णदास पयहारी की गद्दी भी है, और वही रामावत संप्रदाय की प्रमुख गद्दी मानी जाती है। कृष्णदास पयहारी ने गलताजी में अपनी गद्दी स्थापित की, उसी गद्दी को रामावत संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहा जाता है, और उसी गलताजी को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। उत्तर तोताद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी भारत में एक स्थान है तोताद्री नाम से, दक्षिणी भारत में जो तोताद्री है और रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो जो महत्व दक्षिणी भारत में तोताद्री का रामानुज संप्रदाय के लिए है, वही महत्व उत्तर भारत में गलताजी का रामावत संप्रदाय के लिए है, इसीलिए गलताजी को उत्तर तोताद्री कहा जाता है। यह गद्दी कैसे स्थापित हुई, ये तो रोचक बड़ा प्रसंग है, ये आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में पढ़ सकते हैं, परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए इसकी आपका मैं डाटा खराब करूँगा नहीं। दूसरे शिष्य कबीर हर कबीर के बारे में तो क्या चर्चा करनी, आगे उनका विशेष रूप से रहेगा टॉपिक, पूरा वीडियो मुझे लगता है एक वीडियो में आ नहीं पाएंगे कबीर। तीसरे रैदास, और रैदास की शिष्य मीरा मानी जाती है। अब आप देखो, अनंतादास के शिष्य कृष्णदास पयहारी, और कृष्णदास के शिष्य द्वारकादास, और द्वारकादास के शिष्य थे कीलदास, और कीलदास ने योग साधना और इस प्रकार से योग साधना का समावेश किया था अपनी भक्ति में। तो ये एक परंपरा चल रही है जहाँ पे योग साधना है, एक परंपरा कबीर की है जिसने भावात्मक और साधनात्मक दोनों प्रकार की रहस्यवाद को अपने काव्य में समाविष्ट किया है, एक परंपरा रैदास की है जो निरीह व्यक्ति है, बिल्कुल निरीह भाव से, भक्ति भाव से अपनी रचना करते हैं, और उनके शिष्य मीरा है, ये चैन है। एक कवि सुरसुरानंद है और उनके शिष्य दादूदयाल थे, और दादूदयाल के शिष्य सुंदरदास थे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा ब्रांड है रामानंद, मुझे कभी कभी ये लगता है कि उसको पूरे परिवार को मिलाया जाए, क्योंकि हिंदी में परंपरा रही है कि उसका शिष्य वो था और उसका शिष्य वो था, हम गर्व करते हैं इस चीज़ों पर। तो रामानंद के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। सुखानंद, नर हरियानंद जिसके शिष्य तुलसीदास थे, अब भक्ति काल के लगभग बड़े बड़े नाम यहाँ पे आ चुके हैं, सूफियों को छोड़ दें तो बाकी लगभग वल्लभाचार्य और रामानंद के शिष्यों की बात करें तो लगभग दोनों के शिष्य परंपरा को पढ़ा जाए तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल लगभग लगभग यहाँ 2 व्यक्तियों के नीचे मतलब है। भावानंद और पीपा, सैन, धन्ना, ये कितने नाम आपने सुने होंगे। सुरसुरी और पद्मावती, सुरसुरी तो ऐसा भी कहा जाता है कि सुरसुरानंद की पत्नी थी, मुझे तो इसका ध्यान नहीं है, सुनने में आया अभी अभी एक मित्र ने बुलाया बताया हमें। रामानंद की हिंदी साहित्य को देन क्या है, पहली बात तो ये है कि जो राम भक्ति शाखा है, राम भक्ति शाखा पर 2 ग्रंथों का बड़ा प्रभाव है, एक अध्यात्म रामायण और एक अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवाद। ये दोनों ग्रंथ दक्षिण भारत में लिखे गए और इनको उत्तर भारत में लाने वाले रामानंद थे, हमने पढ़ा भी था भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, तो ये मुझे लगता है कि उसी प्रसंग में कहा गया होगा। काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रंथों को वो उठाकर उत्तर भारत में लेके आए, और उन दोनों ग्रंथों का व्यापक प्रभाव तुलसीदास के रामचरितमानस पर भी है और राम भक्ति शाखा पर भी है। दूसरी बात, भक्ति
भक्ति का यानी राम भक्ति की नींव तैयार करने का काम इन्होंने किया एक प्रकार से। दूसरी बात, भक्ति का अधिकार मनुष्य मात्र को है। इस मत का प्रवर्तन महाराष्ट्र में तो नामदेव ने किया और मध्य क्षेत्र में यानी हिंदी क्षेत्र में रामानंद के द्वारा हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। असल में ये पंक्ति रामानंद के व्यक्तित्व को दर्शाती है और सीधी भी पूछी जा सकती है। कोई भी पंक्ति, कई बार पंक्तियाँ इसलिए भी शामिल कर ली जाती है नोट्स के अंदर ताकि उससे व्यक्ति को और कवि को या आचार्य को समझने में मदद मिले। ऐसा नहीं है कि हर पंक्ति वैसे के वैसे पूछी जाती हो, लेकिन यह पंक्ति पूछी भी जा सकती है, कई पंक्तियाँ पूछी भी जाती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये खुद रामानंद कहते हैं और परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर हुई, जिसमें रामानंद की वैराग्य परंपरा की एक योग साधना का समावेश हुआ। यह शाखा तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। असल में रामानंद की परंपरा में एक ऐसी परंपरा भी बनी जिसमें योग साधना का समावेश था और यह शाखा तपसी शाखा के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो मुझे लगता है इसका सूत्र जो प्रारंभ किया वो कीलदास ने किया और उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको पुष्पित और पल्लवित करने का काम वो कीलदास ने किया, द्वारकादास ने किया। सगुण व निर्गुण का समन्वय रामावत संप्रदाय की महत्वपूर्ण देन है। सगुण निर्गुण का समन्वय का मतलब यही है कि इनके बहुत सारे शिष्य थे जो सगुण में भी थे और निर्गुण में भी थे, यही इसका मतलब है। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव तुलसीदास में मिलेगा क्योंकि राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि कोई है तो